गुड़ा ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए महिलाओं से अवैध संबंध के आरोप। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। गुड़ा बोले, महेश जोशी शांति धारीवाल का होना चाहिए नार्को टेस्ट। सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। लाल डायरी में है अजमेर 92 के गहरे राज। गहलोत पर भी लगाए बड़े इल्जाम। क्या सामने आएंगे लाल डायरी के गहरे राज? क्या खुलेगी अशोक गहलोत की पोल? नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष कौर। राजस्थान में बीते 4 दिनों से सियासी सरगर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने राजनीति का पारा काफी हाई कर रखा है, वो भी बीते 4 दिनों से। आज तो गुड़ा छाए रहे। आप गुड़ा का आज का वो बयान सुनिए जिसमें वो गहलोत और उनके मंत्रियों पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर 92 की बात कर रहे हैं आप? अजमेर 92 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रोल था सीएम साहब का? सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे। इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, महेश जोशी का, तो यदि सचिन तेंदुलकर है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? वो इनकी, इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। इस वीडियो में गुड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस के नेता और मंत्री हैं उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। ये सारे के सारे बलात्कारी, जी हाँ बलात्कारी। नेताओं का नाम लेते हुए गुड़ा ने कहा कि शांति धारीवाल, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। गुड़ा ने आगे कहा कि महिलाओं की दुष्कर्म में अगर कोई डिग्री मिलती तो उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास पीएचडी की डिग्री होती। इसके साथ ही गुड़ा ने कहा कि कितनी ही महिलाओं के साथ इनके अवैध संबंध है, वो भी पता चलना चाहिए। लेकिन इस बीच गुड़ा का एक और बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप गुड़ा का वो पुराना बयान सुनिए। अरे राजेंद्र गुड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती, वो उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल। गुड़ा कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा नहीं होता तो मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते। अगर राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती तो गहलोत जेल में होते। इतने ही आसपास के लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या है उस लाल डायरी में, और क्यों उस लाल डायरी का जिक्र इतना हो रहा है? क्या वाकई इस डायरी में ऐसा कुछ है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बन सकता है? आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।